कोरोना वायरस को लेकर भारत में जागरूकता की मुहिम में मेरे हिस्सेदार बनने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। आज हम बात करेंगे लेटेस्ट अपडेट ऑन इंडियाज फर्स्ट कंफर्म केस ऑन कोरोना वायरस। भारत में इस वायरस के फैलने कितने चांसेस हैं? दूसरा, WHO ने फाइनली कोरोना वायरस को ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया है, इसके क्या मायने हैं भारत और पूरे विश्व को लेकर? इसके साथ ही ये भी बात करेंगे कि चाइना का इस वायरस को लड़ने में कौन कौन से देश सामने आए हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या अभी तक इस डेडली वायरस का कोई इलाज, कोई वैक्सीनेशन आविष्कार हुआ है? और ऐसी सिचुएशन में ये बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि हम जाने ये वायरस फैला कैसे, साथ ही इस वायरस के लक्षणों को टाइम पे पहचान कर हम अपना बचाव कैसे कर सकते हैं, क्योंकि ये टाइम सेंसिटिव टॉपिक है। अगर मेरे द्वारा दी गई कोई भी जानकारी ऑब्सोलीट हो गई है या फिर पुरानी हो गई है तो प्लीज़ कमेंट करके अपडेट कर दें ताकि सभी तक लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। सबसे पहले बात कर लेते हैं कोरोना वायरस का भारत में सबसे पहला केस। 30 जनवरी को इंडिया के सदर्न स्टेट ऑफ केरला में थ्रिसूर डिस्ट्रिक्ट में भारत का पहला कोरोना वायरस पॉजिटिव केस रिपोर्ट किया गया है। इन्फेक्टेड पेशेंट एक फीमेल स्टूडेंट है जो वुहान यूनिवर्सिटी में पढ़ती है, और चाइना से केरल अपने घर लौटते समय एयरपोर्ट पे उनका टेस्ट पॉजिटिव पाया गया है। वुहान चाइना का वही शहर है जहां से यह फैलना शुरू हुआ और दुनिया में अमेरिका, थाईलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया समेत 21 देशों तक फैल गया है। इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने यह कन्फर्म किया है कि अभी ऐसी घबराने वाली स्थिति नहीं है उस स्टूडेंट की। उसको आइसोलेशन में रखा गया है और उसको क्लोजली मॉनिटर किया जा रहा है। इंडिया में अभी तक टोटल 900 सस्पेक्टेड केसेस जिनमें कोरोना वायरस से मिलते जुलते सिम्टम्स देखने को मिले हैं। इनमें से 806 केसेस केरला के ही रिपोर्ट हुए हैं। सभी लोगों को अंडर ऑब्जर्वेशन रखा गया है, उनके सैंपल्स लिए जा चुके हैं और साथ ही उनका इलाज चल रहा है। इंडिया में अभी तक ये वायरस काफी हद तक कंट्रोल्ड है, लेकिन चिंता की बात यह है कि भारत में पॉपुलेशन बहुत ज्यादा होने की वजह से इसका बड़े स्तर पर फैलने का खतरा है, और अगर एक बार आउटब्रेक हो गया तो काबू करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि फिर भारत में अच्छी फैसिलिटीज वाले हॉस्पिटल भी तो कहाँ हैं। अब बात कर लेते हैं कोरोना वायरस को लेकर दुनिया में क्या लेटेस्ट अपडेट है। यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने उन यात्रियों से भी रिक्वेस्ट किया है जिन्होंने 1 जनवरी के बाद चाइना से इंडिया ट्रैवल किया है, और यदि वे बुखार, खांसी जैसे कोई भी लक्षण को अनुभव कर रहे हैं तो नियरेस्ट हेल्थ फैसिलिटी में सेल्फ रिपोर्टिंग करें और आगे आए। साथ ही 24/7 हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है 011-239-78046। अगर आपका कोई भी जानकार चाइना के वुहान शहर में फंसा है तो कॉन्टैक्ट करके हेल्प ली जा सकती है। अभी तक पूरी दुनिया भर में इस खतरनाक वायरस से 170 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, और 8100 से ज़्यादा कन्फर्म्ड केस हैं जो अपनी ज़िंदगी से जूझ रहे हैं, जिनको हॉस्पिटलाइज किया गया है और इलाज चल रहा है। और मैं आपको ये बता दूं कि सिचुएशन इस टाइम ऐसी है कि इंडिया समेत कई देश जैसे कि जापान, अमेरिका, यूरोपियन यूनियन, फ्रांस अपने नागरिकों को वुहान से इवैक्यूएट कर रहे हैं। इंडियन फॉरेन मिनिस्ट्री ने बताया है कि वो चाइना डिप्लोमेट से कांस्टेंट टच में हैं और लॉजिस्टिक्स का इंतजाम कर रहे हैं, और भारतीयों को वापस देश लाने के लिए प्लेन्स रेडी कर लिए गए हैं। अभी चाइना से बस फॉर्मल परमिशन की वेट हो रही है। अब बात करते हैं कि WHO ने इस चीज पे क्या कदम उठाया। WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने थर्सडे को मीटिंग में जानलेवा कोरोना वायरस को ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया है। इस पर कुछ देशों ने WHO को ये कहकर क्रिटिसाइज किया है कि ये डिक्लेयर करने में इतनी देरी क्यों हुई। हालांकि WHO का कहना है कि 170 की 170 मौतें चाइना में ही हुई हैं। अकॉर्डिंग टू WHO चीफ, द मेन रीजन फॉर दिस डिक्लेरेशन इज नॉट वॉट इज हैपनिंग इन चाइना बट वॉट इज हैपनिंग इन अदर कंट्रीज। WHO के लिए चिंता का विषय इसलिए बना हुआ है ये क्योंकि वीक हेल्थ सिस्टम वाले देशों में ये बहुत तेजी से फैल सकता है। कोरोना वायरस से पीड़ित लोगों की संख्या 2003 में फैले SARS के नंबर को पार कर चुकी है। दुनिया भर के साइंटिस्ट कोरोना वायरस के वैक्सीन को खोजने में लगे हैं, साथ ही US, ऑस्ट्रेलिया के प्राइवेट हॉस्पिटल्स और मेडिकल कंपनीज भी इसके कोई एंटीडॉट पर रिसर्च कर रहे हैं। ये भी न्यूज़ है कि इटली ने चाइना से आने और जाने वाली सभी फ्लाइट्स कैंसिल कर दी हैं। वहीं पाकिस्तान सरकार ने वुहान शहर से कोरोना वायरस से पीड़ित अपने ही नागरिकों को नहीं निकालने का फैसला लिया है। सबसे जरूरी चीज अब देखते हैं कि इस कोरोना वायरस के सिम्टम्स क्या हैं। धीरे धीरे कोरोना वायरस महामारी का रूप लेता जा रहा है। इसके शुरुआती लक्षण जैसे कि खांसी, जुकाम, हेडेक, रनी नोज, बिल्कुल फीवर जैसा लगता है, तो जब तक डॉक्टर्स के पास इलाज के लिए जाते हैं तो वायरस पूरे बॉडी के इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स जैसे कि हार्ट, किडनी, लीवर तक फैल जाता है, तो रिकवरी ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाती है।
जब तक बॉडी के इस वायरस के सिम्टम्स देखने में आते हैं, हमारी बॉडी इसे इन्फेक्टेड हो चुकी होती है। अब मैं आपको बताऊंगी कि क्या कोरोना वायरस का अभी तक कोई इलाज पॉसिबल है। इस वक्त कोरोना वायरस का कोई ट्रीटमेंट नहीं है। जी हाँ, अभी तक इस वायरस का कोई एंटीडॉट या वैक्सीनेशन नहीं ढूंढा गया है। इसका सिम्टम बेस्ड ट्रीटमेंट है, जिसका मतलब ये है कि जिस जिस बॉडी पार्ट पे अटैक करता है उसी ऑर्गन का उपचार किया जाता है। हालांकि इनिशियल स्टेज पे इसको कंट्रोल किया जा सकता है। अब उस चीज़ पे बात करेंगे जो आप सबके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि कैसे आप कोरोना वायरस से अपना बचाव कर सकते हैं। पहला, अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में हैं जो अभी चाइना या फिर अफेक्टेड कंट्री से ट्रैवल करके आया है और आपको खांसी, जुखाम या बुखार जैसा लग रहा है, तो जल्दी से जल्दी एक अच्छे डॉक्टर के पास जाके कंसल्ट करें और अपना चेकअप करवा लें। दूसरा, इंटरनेशनल ट्रैवल में चाइना जाने से बचें, और अगर आपकी फ्लाइट का स्टॉप ओवर है तो ट्राई करें कि दूसरे रूट के थ्रू फ्लाइट बुक करवा लें। अगर आप भीड़ वाले इलाके या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ट्रैवल कर रहे हैं तो प्लीज़ घर से मास्क लगा के निकलें, क्योंकि ये कम्युनिकेबल डिजीज़ है तो इसी तरीके से एक इंसान से दूसरे इंसान में फैल रहा है। और चौथा, क्योंकि इसके सिम्टम खांसी, बुखार या निमोनिया जैसे हैं, तो जो सावधानियां आप उस टाइम बरतते हैं वही हमने कोरोना वायरस के लिए बरतनी है। जैसे कि अपने आसपास सफाई रखनी है, छींकते हुए मुंह पे रुमाल रखना है, टाइम टू टाइम अपने हाथों को धोना है, सफाई रखनी है। तो ये सब प्रिकॉशंस आप बहुत ही इजीली रख सकते हैं और आपको ये कोरोना वायरस से थोड़ा बचाव दे सकते हैं। अब पांचवी और सबसे ज़रूरी चीज़, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको पहुँचाए। कोरोना वायरस के बारे में भारत में अवेयरनेस बढ़ाने में आप भी भागीदार बने। इससे पहले मैंने अपनी पिछली वीडियो में कोरोना वायरस को एंड टू एंड एक्सप्लेन किया है कि ये क्या है, सिम्टम्स क्या है, कहाँ से पैदा हुआ और क्या ये क्योरेबल है। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, ज़रूर देख लें। और इस वीडियो को अवेयरनेस फैलाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने में हेल्प करें, ताकि लोग बेतुके र्यूमर्स पे ध्यान ना देकर कोरोना वायरस के भयवे रूप को समझें और अपना ध्यान रखें। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें, और जब आप सब्सक्राइब करें बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि सभी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएं। मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में। अंटिल देन, अपना और अपनों का ख्याल रखें, उन्हें ढेर सारा प्यार करें। प्लीज शेयर इफ यू केयर फॉर ह्यूमन लाइफ।